आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। भाजपा ने 8 बार के विधायक सतीश महाना को उत्तर प्रदेश का 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध इस वक्त वो चुन लिए गए हैं। आपको बता दें कि कार्यवाहक अध्यक्ष रमापति शास्त्री ने महाना के निर्विरोध चुनाव की घोषणा की, जिसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा नेता अखिलेश यादव ने नए विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। देखिए रिपोर्ट। सत्तारूढ़ भाजपा के 8 बार के विधायक सतीश महाना उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष रमापति शास्त्री ने महाना के निर्विरोध चुनाव की घोषणा की। उनके पास इस पद के लिए एकमात्र नामांकन था। वहीं विधानसभा को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बीजेपी नेता सतीश महाना का जोरदार स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी सदन को संबोधित करते हुए सतीश महाना को बधाई दी। बता दें कि सतीश महाना के नामांकन का प्रस्ताव सीएम योगी ने किया था और वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने इसका समर्थन किया। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी महाना के नाम का प्रस्ताव रखा था और उनकी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने इसका समर्थन किया था। वहीं सतीश महाना के अगर राजनीतिक सफर की बात करें तो कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मायावती और योगी आदित्यनाथ सरकार में सतीश महाना ने मंत्री के रूप में काम किया। सतीश महाना अक्टूबर 1997 में पहली बार कल्याण सिंह सरकार में राज्य मंत्री बने और आवास एवं शहरी विकास मंत्री के रूप में काम किया। फिर वर्ष 2002 में राज्य मंत्री बने और पूर्व का ही उन्हें विभाग दिया गया। वहीं साल 2017 में बीजेपी की फिर सरकार बनने पर सतीश महाना कैबिनेट मंत्री बनाए गए और योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री का पद संभाला। वहीं साल 2019 में सत्यदेव पचौरी के कानपुर का सांसद बनने पर सतीश महाना को उनके विभाग भी अतिरिक्त रूप में मिले। बीजेपी के विपक्ष में रहने के दौरान पार्टी की ओर से सदन के उपनेता भी सतीश महाना रह चुके हैं। इसके अलावा सतीश महाना लगातार 8 बार से विधायक है, 5 बार कैंट से और 3 बार महाराजपुर से विधायक बने। बता दें कि सतीश महाना 1991 में कानपुर कैंट विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए, 5 बार कैंट विधानसभा से 2012 तक वो विधायक रहे। वहीं साल 2012 में पोसीमन बदलने के कारण महाराजपुर से विधायक चुने गए। वहीं सदन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जनता ने नकारात्मकता को हराकर सकारात्मकता को चुना है। वहीं सपा अध्यक्ष ने भी अपने संबोधन में सतीश महाना को जीत की जोरदार बधाई दी। तो हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। जो सकारात्मक होगा, जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। जो नकारात्मक होगा, हमारे समाज ने, हमारे देश ने कभी भी नकारात्मकता को कभी भी कोई महत्व नहीं दिया। नकारात्मकता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है। सकारात्मकता से ही हम न केवल प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि सकारात्मकता के भाव से ही लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि एक बहुत अनुभवी व्यक्ति और एक ऐसे अध्यक्ष का मुझे बधाई और धन्यवाद देने का मौका मिला है जो समय और आज की परिस्थितियों को समझते हैं। वो जानते हैं हम दुनिया में कहां खड़े हैं, वो जानते हैं कि हमें कितने कठिन रास्ते आगे तय करने हैं। जिस प्रदेश में
और जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हो उस प्रदेश का नौजवान अगर फांसी पर लटक जाए क्योंकि वो अपना कैरियर नहीं बना पाया, शायद उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। आज ही जब हम आपका स्वागत कर रहे हैं, मुझे दुख है इस बात का, जब मैंने व्हाट्सएप खोला अखबारों को मैंने देखा तो मुझे वही तस्वीर नजर आई कि एक नौजवान को नौकरी नहीं मिली इसलिए वो फांसी के फंदे पर लटक गया। और जब कल मैं शपथ ले रहा था, शपथ लेकर के अध्यक्ष जी मैं जब वापस गया हूं तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप पर लूट करके एक गोली मार करके छीन करके ले गया। हमें और आपको सबको पूरे सदन को मिलकर के जहां लोकतंत्र को मजबूत करना है वहीं हमारी जिम्मेदारी यह बनती है, अध्यक्ष महोदय आपके दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए। मैं आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, एक ऐसे अध्यक्ष को पाया है जो हसमुख है, जो हम जैसा ही हंसता है, मुझे इस बात की खुशी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहरहाल विधानसभा में नए अध्यक्ष को चुन लिया गया है और सकारात्मक सोच के साथ नई पारी की शुरुआत की जा चुकी है। ऐसे में आगामी दिनों में देखना अहम होने वाला है कि सत्ता और विपक्ष मिलकर किस प्रकार से यूपी में विकास की गति को दिशा दे पाते हैं। टेस्ट रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ प्राइम रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।